सभी को जय मसीह की। बहुत अद्भुत सपना दर्शन कह सकते हैं और प्रभु ने बात करी फिर से सपने के द्वारा। और इनफैक्ट ये सपना जब मुझे शनिवार की रात को आया तो मैं संडे को सपना भूल ही गया। याद था मुझे, मैंने घर में बताया, लेकिन मैंने इसे प्रभु की आवाज़ समझ के लिया ही नहीं। मैं इनफैक्ट देखो कि कैसे, और फिर प्रभु ने आत्मा के द्वारा मुझे जगाया और मुझे जगा कहा, देख तुझे जो मैंने सपना दिखाया वो वाणी है मेरी, वो दर्शन है मेरा, वो अब पूरा होने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता जो तूने सपने के द्वारा बताया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा ध्यान हट गया था, लेकिन तूने फिर से मुझे ध्यान दिलाया और ये सपने का अर्थ और सपने का मतलब बताया। मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ पिता। आने वाली विपत्ति पे हमारी सहायता करना, संकट बड़ा है लेकिन तू हमारे साथ खड़ा है, यह विश्वास करते आज जितने लोग सुन रहे पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, कबूल करना और हमें मन फिराव का अवसर देना, क्योंकि पिता दिन बुरे हैं और आप नज़दीक आ रहे हो पिता, इसलिए हम मन फिराए ताकि स्वर्ग का राज्य निकटे। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना के द्वारा सपने को बताना, सब ग्रहण करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज, तो मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का निकट है, क्योंकि पश्चाताप करो अपने अपने गुनाहों से। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अद्भुत सपना है, और आपको सबको पता है कि परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा और अधिकतर तो सपने के द्वारा बातें करता है, और जब जब प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो पूरा हो क्योंकि संकट बढ़ा होता है, लेकिन फिर भी प्रभु अपनी इच्छा पूरी करता है, मेरी नहीं। तो हम सब प्रार्थना करें प्रभु दया करें, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ एक वचन पढ़ूंगा उसके बाद में बताऊंगा कि परमेश्वर मुझे क्या बताया है, और वचन भी प्रभु ने आत्मा में मिल दिया। यहेज्केल 3:17 यहाँ लिखा है, हे मनुष्य के संतान। आइए प्रार्थना करते वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। 3:17 में लिखा है, यहेज्केल 3:17, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन के द्वारा ही प्रभु ने हमें सब कुछ बता दिया, हमें चेताना है, चेतावनी देनी है, तो ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के प्रेमियों। और इसे मजाक में या हल्के में मत लेना, या उन जैसे मत बन जाना जो लोग मजाक उड़ाते और अनदेखा करते। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीषित करें। शनिवार की रात यानी कि संडे की सुबह जब मैं उठा तो मुझे सपना याद था, मैंने घर में बताया। इनफैक्ट मुझे लगा ये नॉर्मल सपना है, लेकिन परमेश्वर ने जब उसके बखान मुझे बताया, उसकी अर्थ बताया, मैं यकीन मानो मैं भी हैरान हो गया। मैंने देखा कि एक जगह है, हॉस्पिटल है, और वहाँ पर वैक्सीन लग रही है। सुनना ज़रा, एक एक करके सुनना, एक एक वर्ड पर गौर करना। वैक्सीन लग रही है, डॉक्टर है, नर्स है, वैक्सीन लग रही है, और उस वैक्सीन में दो दो डोज इकट्ठी लग रही है। तो मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरा नंबर आया, मैंने वैक्सीन लगाई, दोनों हाथों पे लगाई। तो मैं उनसे ये कह रहा, अभी सुनना, मैं उनसे ये कह रहा हूँ, आज आप वैक्सीन लगा रहे हो, ठीक है? क्या बोला मैंने? आज आप वैक्सीन लगा रहे हो कि जो बीमारी आने वाली है, अब जो बीमारी का दवाई यानी कि अब जो बीमारी का वो आएगा, संकट आएगा, जो बीमारी है उसमें कोई भी वैक्सीन काम नहीं करेगी, फिर अब क्या करोगे? ये आने वाली दवाई, आने वाली संकट की चेतावनी है मेरे लिए, यानी कि अब जो वायरस आने वाला है या आ चुका है, यानी कि वैक्सीन फेल होने वाली है, वैक्सीन का कोई भी असर नहीं दिखेगा। वो आपको सुनने में आएगा, न्यूज़ में आएगा, ये संकट बड़ा है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। वचन कहता है वो हमारे साथ है मेरे अजीज़ों, वो मेरी ढाल है, हमारे जिले में। तो आपसे निवेदन करूँगा कि ये सपना सुनकर आप तुरंत प्रार्थना लग जाना और परमेश्वर की दया करें, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियाँ जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की बोली थी 2021 की, वो पूरी 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 हुई है। और ये फिर से प्रभु ने मुझे बताया है, ये होना तय है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो बताता पूरा करता है, लेकिन मैं विश्वास ये करता हूँ कि वो दया करने वाला है। और ये दोबारा मुझे बताया है मेरे जीवन, और दो बार सपने का मतलब है कि वो प्रभु कर चुका है वो काम, यानी कि हो चुका है। इसके लिए हम तैयार हैं, तो अपना अपना मन फिराना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तैयार है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता जो तूने मुझे बताया, मैंने वो दुनिया को बताया पिता, जितने लोग सुन रहे विश्वास कर रहे प्राशित कर रहे उनको प्राशित कबूल करना, ग्रहण करना, पश्चाताप कर रहे बुरी आदत से फिर रहे और क्षमा करना, और प्रभु जी आने दिन में जो संकट आने वाला है इस सब पर दया करना, हम सब पर दया करना। और प्रभु जी यही मैं मांगूंगा कि संकट को रोक देना ताकि तेरे नाम की महिमा हो,
और जो अब तू काम करने वाला है पूरी दुनिया देखेगी कि वाक्य में तू जीवित परमेश्वर है। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु दया करें, यही प्रार्थना करना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष।